मौसम समाचार की लेटेस्ट खबरें और लाइव मौसम अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए न्यू लाइव टिप्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के। पूरे हफ्ते चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हल्की बरसात ने जहां लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है, तो वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी सप्ताह में भी मौसम परिवर्तनशील रहने, धूल भरी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है तथा इसके बाद मौसम खुश्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के मध्य और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तापमान में दर्ज होगी गिरावट। आसान शब्दों में कहा जाए तो 25 सितंबर के बाद ज्यादा बारिश न होकर हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम के हिसाब से सितंबर का महीना उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहता है। इस महीने में जहां अधिकतम तापमान कई सालों बाद सबसे अधिक रहा, तो वहीं बारिश ने भी सितंबर के महीने का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और प्रदेशवासियों को बेसब्री से सर्दी का इंतजार है। बता दें कि आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दिए गए ताजा अपडेट के मुताबिक अगले सप्ताह यानी 1 अक्टूबर से गुलाबी सर्दी लखनऊ में दस्तक दे देगी। इसके साथ लोगों को सर्दी का एहसास होने लग जाएगा, तापमान भी गिरना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस साल सर्दी ज्यादा होगी या कम, इसका अपडेट अभी आना बाकी है और लखनऊ मौसम केंद्र की मॉनिटरिंग कर रहे 1 अक्टूबर के बाद से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार कोहरा कितना रहने वाला है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया है कि इस पूरे सप्ताह अब तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। फिलहाल अब बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। आज ऐसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि बस्ती, झांसी, उरई, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं मथुरा, चित्रकूट, हाथरस, आजमगढ़, गोंडा में सबसे अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा की बात करें तो इन जिलों का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान